Bhakra Nangal Wheels and Strides is no less than any international event. Right now next to me is Arvind Panwar, who is a very, very popular cyclist in India. He has won gold medal in South Asian Games and India ka jhanda aapne feraya hai wahan par. Aur current ITT champion bhi ho Arvind. Arvind, kaisa laga aaj aapko Bhakra Nangal Wheels and Strides 100 km race karke? बहुत अच्छा लगा ये रेस करके और मैं हमेशा ही जो अप डाउन रेस होती है जहाँ पे क्लाइम्स होती है उनको प्रेफर करता हूँ तो इसीलिए जैसे ही मैंने सुना लास्ट वीकेंड पे भी एक होशियारपुर में रेस थी वहाँ पे भी क्लाइम्स थी तो नेक्स्ट वीकेंड पे भाखरा में थी तो मतलब काफ़ी मन था ये करने का तो मैं इसलिए एक हफ्ते पहले यहाँ पर आया मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट किया रूट देखा तो काफ़ी मैं खुश हुआ मतलब इतने अच्छे रूट देख के इंडिया में है एक्चुअली तो बहुत ही अच्छा लगा रेस करके आज रियली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है एक इंडियन साइक्लिस्ट का पूरा फिजिक देख के जब हम फेसबुक के ऊपर अपडेट्स देखते हैं इंटरनेशनल साइक्लिस्ट के लिए तो लगता है यार इंडियन साइक्लिस्ट भी क्या ऐसे है या नहीं है बट आज आपको देख के मतलब रियली दिस इज़ माय फर्स्ट चांस कि मैं एक बहुत अच्छे साइक्लिस्ट से मुलाकात कर रहा हूँ एंड इट इज़ माय प्रिविलेज कि आपसे मिलने का टाइम मिला और आपसे बात करने का टाइम मिल रहा है कुछ ट्रेनिंग के बारे में शेयर करना चाहोगे क्या जैसे अभी आपने बोला कि फिजिक देख के आपको लग रहा देखिए ऐसा नहीं कि आप इंडिया में इंडियन एथलीट किसी से कम है ये क्योंकि मैं बाहर जाता हूँ यूरोप भी मैंने ट्रेनिंग किया जाके एवरी ईयर में जाता हूँ दो दो महीने के लिए तो उनकी भी फिजिक सेम ही है वो कुछ अलग से नहीं करते हैं बस वहाँ का एक्सपोजर अच्छा है वहाँ पे रेसिंग वो ज़्यादा करते हैं तो इसलिए वो डेवलप कर रहे हैं स्पोर्ट्स में हमें वो कल्चर लाने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन एक कंसिस्टेंसी आपको चाहिए और जो ट्रेनिंग का आपने पूछा है तो टाइम वेस्ट ना करके एटलीस्ट आप किसी कोच के पास जाएँ सीधे टाइम वेस्ट ना करें अच्छे इक्विपमेंट्स लें और हो सकता है तो जो बेस्ट इक्विपमेंट्स आप ट्रेनिंग उसमें जाइए कोई मेंटोर ढूंढें मतलब अपने आप से अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बहुत टाइम लगता है वो लेवल पहुंचने के लिए तो एक्सपेरिमेंट ना करके टाइम वेस्ट ना करें कोच के साथ काम करें और तो अच्छा रहेगा कैसा लगता है जब बहुत सारे यंगस्टर्स हैं 17-18 ईयर्स के जिन्होंने अब साइकिलिंग को पिकअप किया है और आपसे आके सेल्फी खिंचवाते हैं खैर अच्छा ही लगता है कि खैर इतने ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं है यहाँ पे एथलीट्स को जितनी क्रिकेट को इतनी किसी भी गेम को नहीं मिलती लेकिन फिर भी जो यंग एथलीट्स आते हैं मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है चेयर्स करते हैं जी चलो वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट्स एंड होप यू विल बी ऑन द पोडियम ऑन द टॉप थैंक यू अरविंद थैंक यू